हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर की। बात करेंगे कुल टोटल पोस्ट कितनी है उनकी, हम बात करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट से भर्ती जो पोस्ट है, कुल टोटल पोस्ट ऑल इंडिया के अंदर कितनी है, ग्रुप जो ग्रेड है सी और ग्रुप डी दोनों पोस्टों की हम अलग अलग बात करेंगे। फ्रेंड्स, साथ में ये भी बात करेंगे कितने गुना विद्यार्थियों को पास किया गया है। कट ऑफ अभी तक आपने नहीं देखी तो हमारे नीचे आपको नीचे लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर कट ऑफ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो आपको कितना गुना विद्यार्थी बुलाया गया, और ग्रुप सी के अंदर कितने विद्यार्थियों को बुलाया गया, ग्रुप डी के अंदर कुल कितने विद्यार्थियों को बुलाया गया, इसकी हम बात करेंगे। और जो टोटल पोस्ट है ऑल इंडिया के अंदर उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार तो इस नीचे एक लाल बटन मिलेगा, वहां से आप सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लीजिए, जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप जो सी और ग्रुप डी की 2018 की सी ग्रेड की वैकेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सी ग्रेड की जो वैकेंसी है 505 पदों के लिए सी ग्रेड की वैकेंसी है। इसके अंदर जनरल, उसके बाद ओबीसी, एससी और एसटी दोनों की है, उसके बाद में एक्स सर्विसमैन की भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एस सर्विसमैन और ओएच और इनकी वीएच की भी कैंडिडेटों की यहाँ रखी है। अब डिपार्टमेंटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिपार्टमेंट आपका आया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो आप प्रिफ्रेंस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा चूज कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के में अगर फॉर्म भरा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपका जो दूसरा है वो है सी ए टी सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर जो टूरिबल्स है उसके अंदर जो अच्छी पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 25 पोस्ट है और उसके रेवेन्यू के अंदर जो 415 पोस्ट है, और उसके बाद में बाकी सभी आप देख सकते हैं दो पोस्ट है, किसी के अंदर 15 पोस्ट है, किसी के अंदर 14 पोस्ट है। तो आप यहाँ पर टोटल पोस्टों की बात करते हैं। अब फ्रेंड्स, जो बात करेंगे जो ग्रुप डी की बात करेंगे कि स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के अंदर कुल कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 696 पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल की 363, उसके बाद में ओ बी सी एस सी और एस टी इन सभी की पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी एस एस सी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो आपके कितनी है, 272 पोस्ट है। उसके बाद में और भी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 38 पोस्ट है बहुत अच्छी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर भी है, और बाकी जो यहाँ पर देखिए 93 पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू के अंदर भी कितनी है, 93 पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी जो पोस्ट आपके सामने है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पूरी डिटेल है, और रेलवे संबंधी जानकारी के लिए और गवर्नमेंट संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल आप इसका सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप डी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैकेंसी के अंदर कौन कौन से पोस्टेज है। यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद में और जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो डिपार्टमेंटों की बात करते हैं, 37 डिपार्टमेंट आपके ग्रुप डी के अंदर हैं और ग्रुप सी के अंदर 12 डिपार्टमेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर फॉर्म भीजिए, आपका वीडियो अच्छा लाइक करें, शेयर जरूर करें। नए अपडेट में फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।